टीवी का बहुचर्चित शो शकलका बूम बूम तो आपको याद ही होगा। ये शो उस समय बच्चों का फेवरेट शो हुआ करता था। अब जब ये शो आपको याद है तो इस शो की चाइल्ड आर्टिस्ट हंसिका मोटवानी भी आपको जरूर याद होंगी। हंसिका ने इसी शो से अपना डेब्यू किया था। हंसिका 9 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाती हैं। इस साल हंसिका 30वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं। तो आइए इस खास मौके पर हम आपको बताते हैं कि आखिर अब कहाँ हैं और क्या कर रही हैं बॉलीवुड की ये मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट। बॉलीवुड और टीवी की क्यूट एक्ट्रेसेस में से एक है हंसिका मोटवानी। हंसिका मोटवानी का जन्म 9 अगस्त 1991 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता बिजनेसमैन प्रदीप मोटवानी हैं। हंसिका का परिवार बुद्धिज्म को फॉलो करता है। हंसिका की पढ़ाई लिखाई मुंबई के पोदार इंटरनेशनल स्कूल से हुई थी। हंसिका ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर टीवी सीरियल शकलका बूम बूम से की थी। उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस इंडस्ट्री पर राज किया। साल 2003 में हंसिका ने ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में काम किया था। इस फिल्म में हंसिका बाल कलाकार के तौर पर दिखी थी। हंसिका ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना पहचाना नाम है। हंसिका ने टीवी के बहुत सारे सीरियल्स में काम किया हुआ है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सोन परी, करिश्मा का करिश्मा जैसे शोज में वो नजर आ चुकी हैं। कई टीवी शोज करने के बाद हंसिका ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। हंसिका ने निर्देशक पूरी जगन्नाथ की तेलुगु फिल्म देश मुदूरू में काम किया। इसके बाद हंसिका की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई थी क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। साल 2007 में हंसिका हिमेश रेशमिया की फिल्म आपका सुरूर में दिखी। इसमें वो बतौर लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आई। उस वक्त हंसिका की उम्र केवल 16 साल थी। इस फिल्म में उनका लुक देख हर कोई हैरान रह गया था क्योंकि वो फिल्म में अपनी उम्र से काफी बड़ी दिखाई दे रही थी। कहा जाता है कि उनके इस लुक के पीछे हार्मोन चेंज इंजेक्शन थे। हालांकि हंसिका की माँ एक त्वचा विशेषज्ञ हैं। हंसिका के अचानक बड़े दिखने का राज उनका हार्मोनल इंजेक्शन लेना है। हालांकि इस खबर को लेकर अब तक कोई असल सच्चाई सामने नहीं आई है। इस बात की असल सच्चाई तो हंसिका ही बता सकती हैं। फिल्म आपका सुरूर के बाद हंसिका बॉलीवुड में दूसरी बार फिल्म मनी है तो हनी है में नजर आई थी जो कि साल 2008 में रिलीज हुई थी। इसके बाद हंसिका किसी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आई। बॉलीवुड में कुछ खास सफलता नहीं मिली तो उन्होंने साउथ फिल्मों का रुख कर लिया। फिल्मों के अलावा हंसिका का नाम कंट्रोवर्सीज में भी आया है। ये उस वक्त की बात है जब हंसिका का बाथरूम एमएमएस लीक हो गया था। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस पर हंसिका ने कहा था कि ऐसे वीडियो रेप से भी ज्यादा बदतर होते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो हंसिका के पिता ने उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माँ को छोड़ दिया था और विदेश में शिफ्ट हो गए थे। हंसिका का कहना है कि वो सिर्फ अपनी माँ की बेटी हैं। हंसिका मोटवानी मुंबई में अपनी माँ के साथ ही रहती हैं। गौरतलब है कि हंसिका ने 50 फिल्मों और 7 टीवी शोज में काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।